व्यापारी ने ट्रैक्टर चालक की पिटाई की है। बताया जा रहा है कि दुकान के सामने ट्रैक्टर रखने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। पिटाई का वीडियो अब सामने आया है, जो कि वायरल भी हो रहा है। वीरपुर थाना क्षेत्र के मेन बाजार की ये घटना है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक दूसरे के साथ मारपीट करते दुकानदार और ट्रैक्टर चालक नजर आ रहे हैं। दुकान के सामने ट्रैक्टर रखने को लेकर पूरा विवाद उपजा, जिसके बाद मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। शिवपुर में ट्रैक्टर चालक की पिटाई का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीरपुर थाना क्षेत्र के मेन बाजार की घटना है। स्वदेश भारद्वाज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वदेश, इस वक्त क्या स्थिति है? क्या मारपीट रुकी है, मारपीट सुलझी, और क्या पुलिस ने कोई एक्शन लिया है, शिकायत दर्ज की गई? देखिए, ये जो पूरा मामला हुआ ये एक दुकान के सामने ट्रैक्टर खड़े करने को लेकर हुआ है, जिस पर ट्रैक्टर चालक के साथ दुकान व आसपास के लोगों ने मारपीट की। उसके बाद मामला रुक तो गया, लेकिन अभी तक ये है कि व्यापारी के खिलाफ ट्रैक्टर चालक वहां थाने पहुंचा है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। बल्कि जो व्यापारी के साथ अन्य लोग भी थे उनके खिलाफ भी ड्राइवर ने शिकायत करने की बात कही है, लेकिन अभी थाने पहुंचकर ड्राइवर जो ट्रैक्टर चालक है जिसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा था, क्योंकि मामला अभी सिर्फ ताजा ताजा है और अभी ही ये मारपीट का जो वीडियो है ये वायरल हुआ हाथों हाथ ही, और साथ में वहां भीड़ भी अभी एकत्रित है, क्योंकि वीरपुर जो क्षेत्र है वो काफी कंजेस्टेड एरिया है और वहां से जो वाहन निकलते हैं वो बिल्कुल सकरी सड़क है जिससे वाहन निकलते हैं, और किसी को अगर सामान लेना पड़ता है तो साइड में ही खड़ा करना पड़ता है, फिर वो साइड में दुकानें ही आ जाती हैं। तो इसके कारण से ये पूरा कहते हैं विवाद उत्पन्न हुआ है ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर। बिल्कुल स्वदेश, समझा जा सकता है। देखिए कैसी छोटी छोटी परेशानियां जिसकी वजह से लोग जो है वो आवेश में आके मारपीट एक दूसरे के साथ करते हैं, और कई बार ऐसी घटनाएं भी देखी गई हैं जहां पर मामूली विवाद के बाद मारपीट होती है, और मारपीट या विवाद इतना बढ़ता चला जाता है कि कई बार इसके गंभीर परिणाम भी सामने आते हैं, और कई लोगों की मौत भी ऐसी घटनाओं में हुई है। लिहाजा बड़ी घटना है, देखना होगा पुलिस एक्शन लेती है कि नहीं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।